नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना काल से ही काफी समय से रेलवे स्टेशनों के ऊपर पार्किंग की दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि लोग जो है पार्किंग के अंदर अपने वाहन नहीं खड़े कर पा रहे थे। लेकिन अब हिसार वासियों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ, क्योंकि खुशखबरी है अब आप अपने वाहन रेलवे स्टेशन के ऊपर पार्क कर सकते हैं। रेलवे के बीकानेर डिवीजन के अंदर आने वाले हिसार, सिरसा और बीकानेर और भिवानी, यहाँ पर दोबारा से एक बार पार्किंग शुरू होने जा रही है। जी हाँ, आप ये देख पा रहे हैं कि रेलवे का परिसर, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं रेलवे के परिसर के सामने यात्री जो है मजबूर थे अपने दो पहिया और चौपहिया वाहन खड़े करने के लिए, क्योंकि पार्किंग जो है अभी तक शुरू नहीं की गई थी। लेकिन आपको बता देते हैं कि गेट नंबर एक पर तो पार्किंग है, हालांकि एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी गेट नंबर एक की। बिल्कुल गेट नंबर एक के सामने यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। और अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन के ऊपर गेट नंबर छः की, तो गेट नंबर छः के अंदर अभी तक कोई भी पार्किंग नहीं बनाई गई थी, जिसकी वजह से जो भी यात्री आ रहे थे उनको रेलवे के परिसर के अंदर ही गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही थी। हालांकि अगर बात की जाए अब रेलवे परिसर की, तो आपको बता देते कि रेलवे की तरफ से, जी हाँ, रेलवे की तरफ से ठेका छोड़ दिया जाने वाला है और कहीं ना कहीं जो है अब दोबारा से टेंडर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के अंदर पार्किंग का टेंडर बेहद ही ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से उसको कोई भी नहीं ले रहा है। आप अगर इस पार्किंग की बात की जाए तो इस पार्किंग के रेट कितने हैं, वो यहाँ पर मेरे साथ ठेकेदार मौजूद है गेट नंबर एक पार्किंग के, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। एक बार आपको दिखाना चाहूंगी पर्चिया, उत्तर पश्चिम रेलवे हिसार स्टैंड पार्किंग, इस तरीके की पर्चियां बनाई गई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अगर वाहनों की बात की जाए तो कितना रेट आप लेते हैं वाहनों का? 4 घंटे के 10 रुपए, 24 घंटे के 20 रुपए। ठीक है, अगर चौपहिया वाहन की बात की जाए तो उसके रेट कितने हैं? किस चीज की जी? चार पहिये वाहन के, गाड़ी का 25 रुपए, 4 घंटे के 50 रुपए, 24 घंटे के। अच्छा, अगर बात की जाए, अगर पार्किंग की बात की जाए तो लगभग कितने लोग रोजाना यहाँ पर पार्क करते हैं? 50-60 बाइक आ जाते हैं जी। 50-60 बाइक आ जाती है। अगर यहाँ की बात की जाए तो टेंडर महंगा है या सस्ता है? महंगा है, इसमें पूरे नहीं हो रहे पैसे। पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। लगभग आपका टेंडर कितने साल का था और कितने समय के अंदर खत्म होने वाला है? ये कोटेशन पे लिया था 3 महीने का। हाँ। तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होंगे। हाँ। अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाद जो गेट नंबर 6 के ऊपर पार्किंग है, वो काफी समय से बंद पड़ी थी, उसको खोलने की बात अब रेलवे की तरफ से की जा रही है, कितना महंगा पड़ता है वो ठेका? वो तो बहुत ज्यादा महंगा मांग रहे हैं। फालतू मांग रहे हैं जी वो रेट तो। अच्छा, आधे पैसे भरे जाएंगे, आधे भर देंगे हम, आधे में से चालू कर देंगे हम वहाँ से। ठीक है, लगभग कितने का टेंडर मिल जाता है ये तो ये बता। वो 3 लाख रुपए मांग रहे हैं 3 महीने के, 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीना। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ का कितने का पड़ता है? यो भी 70,000 रुपए महीना है जो 3 महीने का लिया है। हाँ। वो लेकिन वो पूरे नहीं होंगे यहाँ पर पैसे। अच्छा। जो लेबर है ना, उस लेबर के पैसे भी जेब से लगेंगे और इसमें भी लॉस होगा। ठीक है, लेबर कितनी काम कर रही है यहाँ पर? दो, एक दिन का आदमी है, एक रात का आदमी है। ठीक है, दिन की तनख्वाह 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए तनख्वाह है उनकी। हाँ। 10 दिन वाले के, 10 रात वाले के। ठीक है, तो बोली लगी थी तो उसके अंदर सबसे ऊंची बोली आपकी लगी थी, जिस वजह कोई गया ही नहीं वहाँ डालने के लिए। हमने तो ट्राई, हम एक ही जगह गया था। हाँ। हमने सोचा ले थोड़ा बहुत कम में बात बन जाए, तो उनका जो मिनिमम रेट था ना वो 1 लाख रुपए था इसका भी। हाँ। तो हमने 70,000 रुपए महीना के हिसाब से भरा ना, तो उनने हमारे को दे दिया। हाँ। क्यों, हम पुराने हैं यहाँ पर। पुराने पार्किंग पहले हमारे पे ही थी अभी। अच्छा, कितने सालों से आपके पास यहाँ पर पार्किंग है? कम से कम ज्यादा नहीं तो 12-13 साल तो होगी। 12-13 साल से आपके पास पार्किंग है, तो अभी नुकसान के अंदर से आप गुजर रहे हैं या फिर लगभग 12-13 साल से नुकसान ही है? ना ना, पहले तो काम था यहाँ पर कोरोना से, पहले तो कमाई थी इसमें, लेकिन कोरोना काल के बाद व्हीकल तो नहीं आ रहे। टिकट, रेलवे की टिकट भी महंगी हो रही है, रेलवे की वजह से कोई आता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो आपको बता देते हैं कि लगभग जो है कोविड काल से ही हिसार के रेलवे स्टेशन के ऊपर जो गेट नंबर 6 की पार्किंग है वो बंद कर दी गई थी, और बंद करने के पीछे का कारण भी यही था कि यात्री यहाँ पर नहीं आ रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं जो है ट्रेन नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से पार्किंग का ठेका वापस ले लिया गया था, और पार्किंग का ठेका जो है बेहद ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी ठेका लेने के लिए नहीं आता। एक बार पार्किंग आपको दिखाना चाहूंगी रेलवे स्टेशन की किस तरीके की है। दो पहिया वाहन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि खड़े हैं
लाइन के अंदर, कतार के अंदर। हालांकि 70 से 80 वाहनों का अनुमान लगा के चला जाता है ठेके के अंदर की प्रतिदिन जो है 70 से 80 वाहन जो है लगातार अब यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल से पहले ही लगभग कितने यात्री यहाँ पर आ जाया करते थे पार्किंग के लिए? कोरोना काल में पूरा भरा पड़ा था, पहले पूरा भरा पड़ा था, लेकिन सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, अब जो है आधे से ज्यादा पार्किंग जो है कहीं ना कहीं खाली पड़ी हुई है। तो लगभग कितने का नुकसान होने वाला है आपको इस बार? कम से कम हमारे 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए खत्म है। 3 लाख, 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए खत्म हो गए हैं, ठीक है। लगभग जो है मोटा मोटा कितना नुकसान हो जाएगा? 1,20,000 तो मान के चलो आप। 18 जनवरी को हमारी खत्म हो रही है पार्किंग, उसके बाद अगर 3 साल की अगर में बचे ही नहीं तो आगे क्या ले होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पार्किंग की बात की जाए तो अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो पार्किंग लेगा कौन। हालांकि इसी वजह से गेट नंबर 6 के पास जो ठेका है वो खाली पड़ा हुआ है। हालांकि कोई भी टेंडर देने के बाद भी, ठेका निकालने के बाद भी कोई ठेकेदार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि पार्किंग बहुत ज़्यादा महंगी है। हालांकि कुछ और लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये पार्किंग की जाती है इससे कितनी सुविधा मिलती है? सुविधा तो है जी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है, वैसे कोई आता नहीं है, व्हीकल कम आते हैं यहाँ पे। व्हीकल तो कम आते हैं, लेकिन अगर कोई व्हीकल पार्क करके जाता है तो प्रोटेक्शन कितनी है वाहन की? लगभग वाहन अगर यहाँ पर खड़ा होता है तो जिम्मेदारी आपको लगता है कि ठीक है नहीं है या फिर चिंता रहती है? पूरी जिम्मेदारी, पूरी है, दिन रात इधर ही रहते हैं हम। बीमारी हमारी भी खड़ा कर जाए तो हम साइड में सही लगा के खड़ा करवाते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग का। तो क्या कभी ऐसे भी होता है कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं? कभी कभी हो जाते, कभी कभी हो जाते हैं जी, जैसे पार्किंग करते नहीं ना, जब लड़ाई हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए आपने यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की हुई है लेकिन लोग अगर यहाँ खड़ा ना करके परिसर में खड़ा करते हैं तो क्या आप लोग वहाँ से हटा करके यहाँ पर खड़ा करवाते हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी मर्जी से लगाओगे, जो पे दे रहा है वो पेड पार्किंग, जो नहीं लगा रहा उनको वहाँ चलान कटो, हमारी कौन सी। अच्छा, अगर 4 घंटे से ऊपर हो जाते हैं पार्किंग के अंदर, 5 मिनट 10 मिनट, तो क्या पैसे लगते हैं? 5-10 मिनट के नहीं लगे, घंटे से ऊपर, घंटे के बाद लगने शुरू होंगे। ठीक है, यानी कि 4 घंटे के बाद अगर 5 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद पैसे लगने शुरू होते हैं? जी हाँ, फिर उसके बाद लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ कि एक बार ये पीछे की, एक बार आप इधर आइए, एक बार ये पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि एक यहाँ पर ये पोस्टर भी लगाया गया कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि अपने मोटरसाइकिल स्कूटर आदि को प्रथम प्रवेश द्वारा पर बने पार्किंग में ही खड़ा कर पावती प्राप्त करें जब तक यहाँ द्वितीय प्रवेश द्वार पर पार्किंग की व्यवस्था ना हो जाए। हालांकि ये बताया गया है कि जब तक गेट नंबर 6 के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती तब तक गेट नंबर 1 के ऊपर ही आप लोग पार्क कीजिए। हालांकि अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे की तरफ से जो है एक बार दोबारा से टेंडर दिया जा रहा है। हालांकि बोलियां लगवाई जाएंगी और उसके बाद देखते हैं कि किस ठेकेदार को गेट नंबर 6 की पार्किंग का टेंडर मिलता है और इससे यात्रियों को कितनी सुविधा मिलने वाली है। हालांकि इनसे भी वही जानने की कोशिश करते हैं, अगर गेट नंबर 6 के अंदर पार्किंग बन जाती है तो उससे यात्रियों को कितनी सुविधा मिलेगी? पल्ली साइड पूरी सुविधा मिलेगी, पूरी मिलेगी जी, उधर भी वही सुविधा जो इधर है वही सुविधा उधर मिलेगी। मतलब अब तो यात्रियों को वहाँ यहाँ आना पड़ता है, आना पड़ता है या और पार्किंग में या घर खड़े करवाओ, उधर होने से पूरी व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो आपको बता देते हैं 2 पहिया वाहन के पार्किंग चार्जेस लगते हैं 4 घंटे के 10 रुपए और 24 घंटे यानी कि पूरे दिन के 20 रुपए, तो वही 4 पहिया वाहन के जो है 4 घंटे के 25 रुपए लिए जाते हैं और 24 घंटे के 50 रुपए लिए जाते हैं। हालांकि एक यात्री भी हमें यहाँ पर मिले हैं, हालांकि वो देने अपनी बाइट देने के लिए राजी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता देते हैं कि हिसार रेलवे स्टेशन के लिए खुशखबरी की बात है, बीकानेर डिवीज़न के अंदर जितने भी स्टेशन आते हैं सिरसा, हिसार, भिवानी और बीकानेर के अंदर दोबारा से पार्किंग का टेंडर दिया जाने वाला है। हालांकि बोली लगने वाली है, देखते हैं किसको जो है पार्किंग का टेंडर मिलता है। हालांकि बहुत महंगा टेंडर होने की वजह से यहाँ पर कोई भी टेंडर लेने को राजी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई इतना महंगा टेंडर लेता है तो क्या उसको फायदा होगा, क्या लोगों को सहूलियत के लिए रेलवे जो है कम पैसों के अंदर ये टेंडर देगा। खैर, आपको क्या लगता है कि दोबारा से गेट नंबर 6 के ऊपर पार्किंग शुरू की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।